के आप बहुत बढ़िया आर्डर क्वालिटी साफ सुथरी भैंस है। नीचे से अगर देखते हैं तो लगभग देखिए आप सार्थक डेयरी फार्म का सभी भैंस दिखा रहे हैं। गाय भी सेल के लिए है क्या? दिखाओ तो गाय भी सेल के लिए। देखिए आप आगे बढ़ते हम कीमत से 35,000 रुपये, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों और भी पशु यहाँ सेल के लिए उपलब्ध हैं। आप सेल निकलने के बाद इस तरह से सेल यहाँ से निकलता है। और क्या नाम है भैया इसका? गोलू। कितना लगाएगी? एक टाइम काट लीजिए। अगर कोई खरीदता है तो दूध की क्या गारंटी रहती है? अच्छा 8 लीटर दूध निकाल के फिर ले जाओ, तो ये सेकेंड में जाएगी, थर्ड में जाएगी। कीमत क्या? बहुत बढ़िया डेयरी फार्म, हर दो भैंस के बीच में एक पंखा लगा हुआ है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं सार्थक डेयरी फार्म जो कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में देपालपुर तहसील और गांव है पिटावली। तो जहां पर बहुत बढ़िया डेयरी फार्म जो कि देखिए आप पूरी व्यवस्था के साथ और पशु सेल बिक्री का भी काम है और यहां पे खली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो खली का भी काम है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, सार्थक डेयरी फार्म का अपडेट लेकर आए हैं डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वीडियो अच्छी लगे तो जोरदार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हम सार्थक डेयरी फार्म पर और आप लोगों को पूरा अपडेट देते हैं। आलीशान डेयरी फार्म बना हुआ है, देखिए आप करीब 40-50 भैंसों का एक साथ बाहर गुमान बनी हुई है। तो बढ़ते हम धीरे धीरे डेयरी फार्म की तरफ और आप लोगों को यहाँ का अपडेट देते हैं। तो जहाँ आप पहले डेयरी फार्म देखिए, डेयरी फार्म की व्यवस्था देखिए, पूरा डेयरी फार्म में पंखे लगे हुए हैं, मैट बिछी हुई है और साफ सफाई के मामले में देखिए आप बहुत बढ़िया देखने लायक डेयरी फार्म है। तो दोस्तों नए युवाओं को सीखना चाहिए ऐसे डेयरी फार्म को देखकर, जिससे आप लोगों को आगे पशुपालन में अच्छी कमाई हो और सक्सेस हैं आप। तो मिलते हैं डेयरी ओनर से। भैया सामने आओ, आपका नाम? सार्थक पटेल पिटावली से है ना। और भैया कब से अपना डेयरी फार्म? ये 7-8 साल हो गए थे, 2016-17 में बनाया था। अच्छा, और आज अपने पास कितने पशु उपलब्ध हैं? 25 पशु उपलब्ध है। सेल के लिए सब बिक्री के लिए? बिक्री के लिए गायें भी उसमें जान आगे। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों सभी भैंस यहाँ पे करीब करीब 52 लग रही है मुझे, प्रेग्नेंट भैंस है जो शायद जनने वाली है। तो लेते हैं जानकारी, और सबसे बढ़िया टॉप क्वालिटी की भैंस कौन सी है आपके डेयरी फार्म पर? भी है हरियाणा से आई हुई भैंसे भी है। हाँ, एक पूरा भैंसे भी राजस्थान से आई हुई। अच्छा अच्छा, तो सार्थक भाई पहले बताओ आपके यहाँ फार्म की सबसे टॉप क्वालिटी की भैंस कौन सी है? हमारे जाफरी है और एक मुर्रा पाड़ी है, देखो आप। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुर्रा दिखाओ, जाफरी बाद में देखेंगे। देखिए आप पहले डेयरी फार्म की सब भैंस एक नज़र में आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। साफ सफाई के मामले में इन्हें अच्छा A1, और देखिए बढ़िया नस्ल में गाय भी उपलब्ध हैं।
तो बढ़ते हैं धीरे धीरे, डेयरी फार्म का विजिट कर रहे हैं हम। तो बहुत बढ़िया डेयरी फार्म दोस्तों, आप देख रहे हैं सार्थक डेयरी फार्म, गांव पितावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां आप डेयरी फार्म देखकर खुश हो जाएंगे। और डेयरी फार्म की जो व्यवस्था है वो आप लोग देखें, पानी की व्यवस्था शायद यहीं पे है क्या? हाँ, ये पानी की व्यवस्था है, आप देखें बीच में खाने का और राइट साइड पानी की व्यवस्था। तो पानी अपने आप आता है सार्थक भाई? अपने आप तो नहीं आता, वॉल सिस्टम है, 24 घंटे पानी नहीं, बहुत सारी जगह वो जितना ऑटोमेटिक होता है वो नहीं अपने पास, पूरा 24 घंटे पानी। अच्छा अच्छा, तो इसमें अपने को जितना भरना भर दो और बंद कर दो, है ना। तो देखिए आप अगर पास से देखते हैं तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया डेयरी फार्म विजिट हो रहा है, जिससे आप लोगों को घर बैठे ये सेवा मिलेगी, जिससे नए पशुपालक भाइयों को फायदा मिलने वाला है। इस तरह के डेयरी फार्म को आप, अच्छा इसमें आपने डेयरी फार्म बनाया तो ऐसा कुछ लग रहा कि यार ये कमी है जो दूसरे पशुपालक को वो करना चाहिए? संपूर्ण बना हुआ है एक नंबर, इसमें से फोगर सिस्टम की कमी है, फोगर की कमी है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब इसमें, बाकी सब कम्प्लीट है, लाइन भी पानी निकालने के लिए पूरा निराव के लिए पूरी लाइन डली हुई है। अच्छा अच्छा, पानी ऑटोमेटिक अंदर से चला जाता है ना, ड्रेनेज लाइन देखिए आप, पूरा ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड सिस्टम है। और बढ़ते हैं इनका जो मुर्रा पाड़ी है, यहाँ की जो सबसे बेस्ट, कौन सी वाली ये फर्स्ट में, ये फर्स्ट नंबर पर जो बंधी हुई है, ये फर्स्ट लैक्टेशन में ब्याने वाली है, है ना। अच्छा कुछ डाउट हो रहा मुझे, फर्स्ट एक सेकेंड है, अब सेकेंड ब्याएगी, हाँ मेरा डाउट सही निकला, आप सेकेंड में ब्याएगी है। और क्या मिल्क कैपेसिटी है इसकी भैया? 10 लीटर की कैपेसिटी है, फर्स्ट अच्छा। में इसने 6 से 7 दिया है, 6 से 7 लीटर हाँ, दूध निकाला और बढ़ेगा इसको और ज्यादा दिया। अच्छा, तो भैंस कहाँ की है? ये बाड़मेर जिले की है, बाड़मेर, इसको अपन ने यही बड़ा किया है। अच्छा अच्छा, देखो तो नए व्यक्ति से पशु चमकते हैं। तो देखिए आप कितने दिन की देर है सार्थक भाई? 2 महीने की देर है अभी, हाँ। मतलब 8 महीने के समथिंग प्रेग्नेंट है। बेचनी कब है इसको? बेचना है अभी 1 महीने के अंदर, 1 महीना, और अपन जनने के पहले ही बेचते हैं, जनने के पहले, हाँ। तो क्या कीमत, आज की कीमत और 1 महीने बाद की कीमत क्या है? आज तो एक ऊपर की है, जनने के टाइम पे तो बहुत लगेगी। अच्छा, देखा इसको लास्ट ईयर, आज 1 लाख की कीमत है इसकी, 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर। और व्यापारी देख के भी गए, बहुत सारे देखते हैं, हाँ तो देखते हैं, 1 लाख रुपए मांग रख रहे हैं, किसी को चाहिए तो आप सार्थक डेयरी फार्म पर कांटेक्ट करें। और आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी भैंस सेल के लिए? सेल के लिए। अच्छा, तो अभी क्या जाफरी दिखा रहे हो? हाँ, जाफरी भी दिखाते हैं और एक जनने को ले आई है। बहुत बढ़िया डेयरी फार्म, हर 2 भैंस के बीच में एक पंखा लगा हुआ है। और दोस्तों अगर पशुपालन करना है तो ऐसी तैयारी करना पड़ती है जिससे सफल होने के लिए। और भैंस के ऊपर देखिए आप, साफ सफाई बहुत बढ़िया है, ये वाली भैंस, ये 2 से 3 दिन की देर है इसमें जनने के लिए। अच्छा, जनने वाली है, सार्थक भैया 2 से 3 दिन में जन जाएगी है। और कौन सा लैक्टेशन है इसका? थर्ड लैक्टेशन, थर्ड में ब्याने वाली है। अगर पास से देखते हैं हम भैंस को तो देखिए आप, अडर क्वालिटी आप लोगों को आगे पीछे से दिखा देते हैं। सभी भैंस हाइट में बड़ी है और अच्छी हाइट वाली भैंस, पतली चमड़ी की भैंस है। और करीब करीब सार्थक भाई दूध कितना लगाएगी? ये तो 8 से ऊपर ही है, एक टाइम का 8 लीटर। अगर कोई खरीदता है तो दूध की क्या गारंटी रहती है? पूरी गारंटी दूध और इसकी रबर, दूध की पूरी गारंटी लेते हैं, 8 लीटर यहाँ से काट के लेके जाओ। अच्छा, 8 लीटर दूध निकाल के फिर ले जाओ, तो ये सेकेंड में भी आएगी? थर्ड में भी आएगी। कीमत क्या कर रहे इसकी? ये भी 1 से ऊपर ही है, उसकी क्वालिटी देखो, 1,10,000 से ऊपर की है मांग, 1,10। और कोई अगर लेना चाहता है तो फाइनल कीमत? हाँ, यही 1,10 से अपन कम कौन देना इसको। अच्छा, आप फाइनल 1,10 ही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। इस तरह की भैंस मैंने विजिट करा था एक डेयरी फार्म पर, जहाँ हरियाणा की भैंस थी,
और उन्होंने उनकी कीमत लगाई हुई थी करीब 140-150 के समथिंग। और विश्वास ना हो तो हमारी पुरानी वीडियो आप उठा के देखें। तो दोस्तों, अगर ये भैंस भी 8-8 लीटर दूध देती है तो हरियाणा से भी बढ़िया हमारी भैंस है। ज़रूरी नहीं हरियाणा, पंजाब और बाहर की भैंस और बाहर के डेयरी फार्म ही सक्सेस है। एक छोटे से गांव में पहुंचे हम, जो कि देपालपुर तहसील के पितावली गांव, जो मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। तो दोस्तों, ऐसे सफल युवा पशुपालक को धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना बढ़िया डेयरी फार्म सक्सेस किया है, और अन्य पशुपालक भाइयों को भी सलाह दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो भैया अगली भैंस दिखाओ सार्थक भैया। अच्छा, इनको खोल नहीं सकते क्या? अच्छा, तो देखिए एक जाफरी भैंस खड़ी हुई है, और जाफरी को अगर हम पास से देखते हैं तो बहुत अच्छी हाइट है। और देखिए आप, जाफरी भैंस की हाइट भी बढ़िया। और भैया कौन से में भी आएगी है, कौन सा लैक्टेशन? तीसरे में तो डेढ़ या दो के बीच में। इसका शरीर बहुत भारी है, वजन। तो कब बेचना? आज बेचना कभी? तो अभी मिल जाएगा। तो आज की कीमत बताओ ना आप। आज यही 150 से ऊपर, 150 से नीचे तो नहीं, 150 का तो लगा दिया है। अच्छा, कल परसों ही आया था ये गिरा। मतलब 150 से ऊपर की कीमत लेके चल रहे हैं ये, और 10 लीटर टाइम का दूध है। और दोस्तों, इनके फार्म पर एक बहुत बढ़िया बुल है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या नगीना जो आप वीडियो में देखते हैं हरियाणा पंजाब में, तो मध्य प्रदेश भी मेरे हिसाब से कमज़ोर नहीं है अगर ऐसे पशुपालक भाई लोग भी काम करेंगे। तो देख ले आप, बहुत बढ़िया। देखिए बुल को आप अगर एक नज़र में देखते हैं हम, तो वास्तव में क्या नस्ल है। और पहले आप बुल देखिए, उसके बाद इसकी जानकारी लेते हैं, क्या हाइट है और क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम गोलू है। गोलू? हाँ। और अपने पास कितने दिन से है? 7 साल हो गए। 7 साल से है? इसको अपन ने ही बड़ा किया। 7 साल से है, और इसकी माँ के साथ आया था? हाँ, इसको अपन ने ही बड़ा किया। अच्छा, भैंस के साथ आया था राजस्थान से। और देखिए क्या हाइट बढ़िया, और सींगों की बनावट, जो कि आप लोग बड़ी बड़ी वीडियो देखते हैं हरियाणा पंजाब की, उसमें ऐसे बुल देखने को मिलते हैं। और इसको सेल करते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो अपन ने घर के लिए रखा है। घर के लिए? लेकिन कोई अगर लेना चाहे तो? नहीं नहीं, अपन इसको घर के लिए रखा है। घर के लिए रखा हुआ है, ठीक है भैया ले लो। बहुत बढ़िया बुल जो देखने लायक है, अगर नीचे से देखें हम। सार्थक डेयरी फार्म से वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले की देपालपुर तहसील से है। सिलेक्टेड भैंस कवर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको लगे तो आप कॉल करके सार्थक डेयरी फार्म से कांटेक्ट कर सकते हैं। वाली कितने दिन की दे रहे भैया? 2-3 दिन। देखिए आप, बहुत बढ़िया आर्डर क्वालिटी, साफ सुथरी भैंस है नीचे से अगर देखते हैं, और लगभग 3rd लैक्टेशन में ब्याने वाली भैंस लग रही है मुझे, है ना भैया? और दूध कितना कर देगी ये? 16 किलो, 8-8 किलो, मतलब 8-8 किलो मान के चले हम। देखिए आप, और मांग भैया? 1,10,000। इसकी मांग 1,10,000। तो बढ़िया, आप डेयरी फार्म पर पहुँचे, विजिट करें और अच्छी तरह से समझे। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए आप सार्थक डेयरी फार्म का, सभी भैंस दिखा रहे हैं। गाय भी सेल के लिए क्या? दिखाओ। तो गाय भी सेल के लिए, देखिए आप आगे बढ़ते हम। तो हरियाणा पंजाब की गाय जिस तरह की होती है, उस तरह की गाय हम आज मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। और ये 1st लैक्टेशन में जनी हुई है? गाबन है? अच्छा, कितनी देर है? 20 दिन। 15 से 20 दिन बता रहे हैं, 1st लैक्टेशन में ब्याने वाली है। अगर अडर क्वालिटी देखिए तो थन बढ़िया है, दूध के दांत है। कितने महीने की होगी यार?
36 महीने की, करीब 3 साल की बता रहे हैं भैया। और क्या मांग क्या है इसकी? मांग है 80,000। 80,000 मांग रखी है। जिस किसी किसान भाइयों को अगर लगे तो आप ज़रूर बात करें। ये दो ही सेल का लिए? अच्छा, ये कितनी का आवन है? 3-4 महीने की है। ये 3-4 महीने की गाबन है। तो देखिए दोस्तों, एक गाबन जो केड़ी, ये भी फर्स्ट में ही है। फर्स्ट में है। अच्छा, सेकेंड में आएगी। सेकेंड में ब्याने वाली 3 महीने की प्रेग्नेंट दूध दे रही कि नहीं दे रही? 3 लीटर दूध दे रही। 3-3 लीटर दूध दे रही। और कीमत क्या है इसकी? 30-35 हज़ार रुपये। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, और भी पशु यहाँ सेल के लिए उपलब्ध हैं। आप डिटेल फोन पे पूछ ले, संपर्क कर ले आप। देखिए, आप अगली गाय कवर करने जा रहे हैं, जो मुंडी गाय बोलते हैं, जिसके सींग नहीं है। बढ़िया गाय है। और भैया कितनी गाय बने हैं? ये 6-7 महीने की गाय है। इसका लास्ट ईयर अपन ने दूध काढ़ा है 20-25 लीटर पर डे का। अच्छा, डे का 25 लीटर, मतलब 10-10 लीटर टाइम का तो मान के चले हम। और कितनी? 7 महीने की गाबन। और कीमत क्या कर रहे हैं? 70,000 अभी लगेगी। बहुत अभी इसमें टाइम है। तो दोस्तों, एक अनुमान बता रहे हैं, सेल करना है और जरूरी नहीं आज ही करना है, 1-2 महीने की देर है। तो जब भी किसी को लगे आप कॉल कर ले। खाने पीने में देखिए आप, प्योर खली यूज होती है। और भैया, खली आप क्या क्या है इसके अंदर? खली है सिर्फ, खली और ये खिलाते हैं बाजरा। बाजरा, बाजरा कहाँ है? बाजरा पिसा के खिलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर है? हाँ, पिसा के डाल देते हैं। खली कहाँ से लाते हो? खली अपना खुद का ही मिले है। खुद का है? दिखाओ। हाँ, चलाओ। तो खली देखते हैं हम। ये कितने कितने किलो खली होगी? एक बेस्तानी है जो दूध देती है, उनको 2-2 किलो खिलाते हैं। 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो, ठीक भैया। देखिए आप, बहुत बढ़िया खली का मिल बनी हुई है। कपास देखिए आप, स्टॉक किया हुआ और खल बन रही है। इस तो आपको लाइव प्रूफ दिखाते हम। देखिए आप, इस तरह से खली बनती है। तो ये खल और ये तेल, क्या भाव है अभी? 2700 में से खली है। 2700 रुपये 70 किलो की बनती है। अच्छा, केवल कपास से बनी हुई सेल होती है अपने यहाँ से? सेल भी करते हैं अपन। हाँ, 70 किलो की भर्ती में 2700 रुपये रेट है। और खली एक बार देखा जाए पास से। तो दोस्तों, तेल की मात्रा इसमें कितनी है? फुल तेल की मात्रा इसमें, ज्यादा तेल नहीं निकालते। कपास प्योर कपास की है। 100% कपास। इनका कपास का ब्रांड डायरेक्ट पैकिंग देखे आप। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया डेयरी फार्म लगा हमें। देखिए किस तरह से बन रही है, आप लोगों को तेल निकलने के बाद इस तरह से बाहर आती है और तेल यहाँ से निकलता है। तो दोस्तों, ये था आज का सार्थक डेयरी फार्म का अपडेट, जो आप लोगों को डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया है। का ऑफिस भी बना हुआ है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो भैया, संपर्क करने के लिए क्या है नंबर, एड्रेस? पहले तो एड्रेस बताओ आप। एड्रेस है पितावली, गांव पितावली, नेपालपुर, जिला इंदौर। जिला इंदौर। नंबर है 9977131-3-3561। ये किसके हैं? ये मेरे पापा के नंबर है, श्यामलाल जी पटेल जी। जी, तो इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। और ये ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, सार्थक डेयरी फार्म का अपडेट आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार लाइक
और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक सभी पर फॉलो करें। और ऐसी वीडियो आप लोगों को देखना है या बनवाना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप रात 8 से 10 बजे डेरी यात्रा नरेंद्र, और नंबर है 9174878422। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गौ माता, जय।